एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेड क्रम्स, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे घरों में एक दो दिन पुरानी जो ब्रेड्स होती हैं या जो ब्राउन पट्टियाँ होती हैं वो इकट्ठे हो जाती हैं, तो उसे हमें फेंकना नहीं चाहिए। उसका यूज़ ब्रेड क्रम बनाने में करना चाहिए। दोस्तों, जो होममेड ब्रेड क्रम्स होते हैं वो काफ़ी समय तक लंबे रखे जा सकते हैं। दोस्तों, जब कभी हम घर में स्नैक्स बनाते हैं तो उसमें हमें ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए हमें मार्केट जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज आपको घर पे होममेड ब्रेड क्रम्स बना के बताऊंगी, जिसमें सिर्फ एक चीज़ मिलाना है आपके ब्रेड क्रम्स को काफ़ी लंबे समय तक टिकाऊ रख सकता है। तो सबसे पहले आप ग्राइंडर जार में छोटे छोटे टुकड़े करके ब्रेड को डाल दीजिए और इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लीजिए। सेकंड बैच भी मैं इसी तरीके से ग्राइंड कर ली हूँ। अब चलते हैं कढ़ाई या पैन की तरफ। कढ़ाई हो, बड़ा बर्तन आप यूज़ कीजिएगा जिसमें इसको रोस्ट करना रहेगा, तो आप इंडक्शन पर चढ़ा दीजिए कढ़ाई और इसमें डालें विनेगर। जी हाँ दोस्तों, विनेगर हमारे ब्रेड क्रम्स को बहुत टाइम तक टिकाऊ बनाए रखता है और इसे सालों साल आप स्टोर करके रख सकती हैं। और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे आप कम से कम 15 मिनट तक इसे रोस्ट करें। अच्छे से जब रोस्ट हो जाए आधे घंटे तक इसे ठंडा होने दें। फिर ठंडा होने के बाद इसे एयर टाइट कंटेनर में या किसी डिब्बे में आप इसे स्टोर करके एक साल तक यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जब कभी मेरे घर में ब्रेड इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं इसका ब्रेड क्रम्स बना के रख लेती हूँ, जो अपने वीडियो में यूज़ करती हूँ। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन बराबर आप तक पहुँचे। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जो मेरी छोटी सी सब्सक्राइबर फैमिली है और जो फैमिली जुड़ रही है, उनको प्यार भरा नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।